30% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि वे आवंटन के 3 साल के भीतर परियोजना को लागू करें। यह राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मोटे अनाज वर्ष में सरकार ऐसी इकाइयों को ब्याज सबवेंशन सब्सिडी प्रदान करके बाजरा की कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। ये उपाय बाजरे के लिए एक बाजार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। माननीय सदस्यगण, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मैं एक घोषणा, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल मनीमाजरा यूटी चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सूबे सिंह पूनिया पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं, यह सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री अरविंद यादव चेयरपर्सन हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं, यह सदन उनका भी स्वागत करता है। सरकार वाहन स्क्रैपेज रीसाइकलिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइकलिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रीसाइकलिंग सुविधा प्रदान प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करेगी। सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं करेगी। सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ये होगा। सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88% की वृद्धि है। पीडब्ल्यूडी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पहल और सबसे बड़ी प्राथमिकता पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर की सड़कों का उचित अनुसंरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना है। सर्दी कम होने के साथ ही सरकार मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुझे उम्मीद है कि अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। वर्ष 23-24 में मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अगले वर्ष नाबार्ड की सहायता से 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार राज्य में 14 नए बाईपासों का निर्माण शुरू करेगी। अक्टूबर 2014 से 2022 तक, नवंबर 2022 तक 104 आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी और आरयूबी पूरे हो चुके हैं। 46 आरओबी आरयूबी का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 23-24 के दौरान सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण करेगी। मैं वर्ष 2023-24 में लगभग 214 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वाया बल्लभगढ़ सोना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। 723 करोड़ रुपए की लागत से
हिसार एलिवेटेड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्त पोषण के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इनमें से इस्माइलाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम दौसा खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भी वर्ष 2023 में चालू होने की संभावना है। सोनीपत रोहतक जींद और कैथल जिलों से होते हुए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो डबवाली कालावाली रतिया भूना प्रभुवाला उचाणा नगूरा सफीदो को पानीपत शहर से जुड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने बेहवा कुरुक्षेत्र बाईपास पिपली लाडवा यमुनानगर सड़क को चौड़ा करने और भारतमाला चरण 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसकी घोषणा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला अक्टूबर 2022 में रखी गई थी। मानेसर से पातली तक प्राथमिकता खंड का निर्माण 175 करोड़ रुपए की राशि से प्रगति पर है और वर्ष 2024 तक पूरा होने की संभावना है। रेल अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया है और 5 जिलों में अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना शुरू की गई, जिसकी दिसंबर 23 तक पूरी होने की संभावना है। इससे 5 लेवल क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे, शहर के भीतर यात्रा सिग्नल फ्री होगी। इन अनुभवों के आधार पर मैं बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव करता हूँ। केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी के लिए व्यवहारिता अध्ययन और विस्तृत